देखो ये पक्षी अगर आपके घर में सुबह सुबह आ जाते हैं या फिर कभी भी इन पक्षियां आपके घर में आ जाते हैं तो देखते ही भगा देना चाहिए, क्योंकि इन पक्षी का घर में आना, बसेरा करना अत्यंत अशुभ माना गया। देखो हम लोग शुभ और अशुभ में विश्वास करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग सोचते हैं कि हमने न जाने किसका दर्शन किया था, हमारे जीवन में हमारे दिन आज खराब हो गया, जीवन खराब चल रहा है। तो आपके घर में भी ये पक्षियाँ बार बार आ जाते हैं तो आपने देख लिया तो उसको देखते ही भगा देना चाहिए, क्योंकि इन पक्षियों का घर में बसेरा करना अशुभ कहा गया। सबसे पहले नंबर में कहा कि चमगादड़ अगर आपके घर में आ जाता है, कभी कभार आ जाना ये अलग बात है, लेकिन हर रोज आता है और आकर के वहीं पर बसेरा कर गया तो आप उसको अवश्य भगा दीजिएगा, क्योंकि चमगादड़ घर में आकर के बसेरा कर जाना अत्यंत अशुभ माना गया। अगर ऐसा होता है तो घर में बीमारियां आने का संभावना है, बड़े बड़े संकट आने का संभावना बताया गया है। दूसरे नंबर में कौआ का घर में आना, कभी कभी आना तो ये कोई बात नहीं, लेकिन कौआ बार बार आपके घर में आता है, बसेरा करता है, आपके घर में ही उसने अपने निवास स्थान बना लिया, ये भी अत्यंत अशुभ माना गया है। अगर कौआ ने आकर के आपके घर में घोंसले बना लिया बसेरा करता है तो वो भी अशुभ माना गया। तीसरे नंबर में कहा गया अगर आपके घर में टिटई आकर के बसेरा करता है तो वो भी अत्यंत अशुभ माना गया। फिर उसके बाद में कहा कि आपके घर में उल्लू आकर के चिल्लाता है, कभी कभी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उल्लू आकर के बसेरा कर गया, चिल्लाता है तो ये भी अशुभ संकेत कहा गया। इसलिए इन पक्षियों को अगर घर में आते हैं तो आप कभी कभी गलती से आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आकर के बसेरा करते हैं तो अवश्य भगाइएगा, क्योंकि इन पक्षियों के कारण आपके घर में अप्रिय घटना भी घट सकता है, बड़े बड़े संकट आ सकते हैं, बीमारियां आ सकता है। इसलिए आपने सुन लिया तो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, आपके घर में गौ माता आती है, मोर हंस आदि आते हैं, वैसे जानवर तो सब सेवा करने योग्य हैं, सबकी सेवा करना चाहिए, मैं किसी की विरोध नहीं कर रही हूँ, सेवा सबका करना चाहिए, बस हमने इतना बताया कि शुभ क्या है अशुभ क्या है। आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा गौ माता का सेवा करने का, घर में गौ पालन करने के लिए आप प्रयत्न अवश्य करिएगा। अगर आप घर में गौ पालन नहीं कर सकते हैं तो आप महीने में एक बार अवश्य गौशाला जा कर के आपके घर के आसपास जो भी गौशाला है, जहाँ भी है, आप जाकर के कम महीने में एक बार गौ माता को भोजन कराने का नियम बनाइएगा। जिस व्यक्ति ने जीवन में गौ सेवा करने का नियम बनाया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ माता को रोटी खिलाने का नियम बनाया, उसके घर में आनंद हो जाएगा, कभी बीमारियां नहीं आएगी, उसके घर में कभी भी संकट नहीं आते, क्योंकि गौ माता हमारे दुख को हरण कर लेती है। जहाँ पर गौ माता निवास करती है, जहाँ पर गाय श्वास लेती है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। गौ सेवा अति उत्तम माना गया। प्यार से बोल दीजिए ना।